ज़ूम कर नीचे से तीसरी झालर में देखिए घंटियां बनी हुई हैं। इस्लाम में घंटियों का क्या औचित्य है, कोई बताए मुझे, कोई तो बताए। फिर फूल पत्तियां इस्लामिक आर्किटेक्चर में मुगल काल से इंट्रोड्यूस हुआ, उससे पहले केवल ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते थे। छिपकली कैप्चर करो, छिपकली जहरीली पेपर नहीं, इस हुआ उधर आके बोलो, फिर से बोलो, क्लियर करो। ये सब तोड़ दी गई है यहाँ से, ये जो भी स्कल्पचर था उसको हटा दिया गया। क्लियर ना रहा, इधर पिक्चर दिखाओ, ये एकदम क्लियर, ये दिखाओ ना, हाँ एकदम क्लियर है कि कोई आर्किटेक्चर था। आप ये पैर देख सकते हैं इजीली, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि बुत परस्ती मना है इस्लाम में। ये देखो यहाँ गणेश की ये मूर्ति, हाँ देखिए एक इस्लामिक बिल्डिंग में गणेश जी क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ गए? यही सब सवाल हैं जो सरकारों ने हमसे छुपा के रखे। पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, भारत की जनता से सच छुपाया गया। सेकुलरिज्म के नाम पे इस देश का बहुत नुकसान हुआ, उसी में से एक उत्तम उदाहरण है। आओ देखिए इस आर्किटेक्चर को गौर से देखिए, एकदम घोड़े का आकार है। किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत नहीं बनता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर है। तो सवाल उठेंगे कि कुतुब मीनार है या कुछ और, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था या पहले से बना हुआ कुछ कोई इमारत जिस पर कब्जा कर लिया गया और भारत की जनता को एक झूठ से ढक दिया गया। मेरे चेहरा मत दिखाओ, ऑन करो, ऑन करो, ऑन इधर ये वाला पिलर दिखा। देखिए किसी तपस्वी का आप क्लियर इंडिकेशन देख सकते हैं, किसी भी भारत में क्या पूरी दुनिया में किसी भी इस्लामिक बिल्डिंग में किसी का भी बुत आपको नहीं मिलेगा, किसी का भी स्टैचू आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। इधर दिखाओ राइट साइड, वो देखो एक और आप देख सकते हैं, देखो देखने में एक ह्यूमन बॉडी का फिगर लग रहा है जिससे चार हाथ हैं। पता नहीं इस्लाम में चार हाथ किसके हैं, हाँ बाकी को तो नहीं पता है, लेकिन हिंदू धर्म में चार हाथ वाले कई सारे लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पिलर इधर इधर सामने, ये एक पिलर आप देख रहे, इसमें भी एक स्टैचू। इस स्टैचू का जो रिजेम्बलेंस है बिटवीन 2 to 5th century AD के आसपास, उसमें जो जैसे स्कल्पचर जैसे स्टैचूज मिले हैं उससे मिलते जुलते हैं काफी। देखिए ये एक पिलर है जिसमें पिलर के जो टॉप्स हैं, इस्लाम में किसी भी बिल्डिंग में जो आप पिलर्स मिलेंगे तो उनका जो टॉप है ऐसे काप कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये देखिए कुछ कार्विंग्स को तोड़ दिया गया है, इंटेंशनली चेहरे डिमोलिश कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं ताकि कोई भी पिक्चर क्लियर ना रहे। सिर्फ एक नहीं, देखिए कितने सारे, हमें ये चीजें नहीं बताई गई ना पढ़ाई गई, देख रहे हैं, एक नहीं ऑलमोस्ट सारे पिलर्स का यही हाल है। ऊपर जितने भी ये कार्विंग्स हैं सबका फेस डिमोलिश है, हर जगह का यही हाल है। और यही नहीं, आप छत देखिए, ये जो छत देख रहे हैं ये बात की बनी हुई है, क्यों बनी है? देयर इज अ रीजन, क्योंकि इसके ऊपर कुछ है जो छुपा लिया गया, इसके ऊपर ये है जो आपसे हमसे
इस देश की जनता से छुपा लिया गया। दिख रहा है इसमें जो आर्किटेक्चर दिख रहा है वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये इस्लामिक बिल्डिंग कभी नहीं थी। जैसा आर्किटेक्चर वहाँ मिल रहा है और जैसी कार्विंग्स दिख रही हैं वो केवल हिंदू टेम्पल्स एंशियंट इंडियन बिल्डिंग्स उन्हीं में थी। ये इस्लाम का हिस्सा कभी नहीं थी, न कभी है और न कभी हो सकती। पहले के लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आज़ादी के बाद देश की सरकार ने ये चीज़ें जनता के सामने क्यों नहीं रखी। देखिए पूरा ये देख रहे हैं मंदिर, ये पिलर देखिए, ये उल्टा कमल है, ये पत्तियां उसका, ये नीचे का पोर्शन है उसका। सिर्फ यही नहीं, आप जो हमारा नेशनल एम्बलम है जिसमें चार शेर होते हैं, उस उन शेरों के नीचे दिखेगा वो जिस प्लेटफॉर्म पर उनको रखा गया है वो भी एक उल्टा कमल है। सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह जो हिंदू बिल्डिंग्स मिलेंगी, जो बौद्ध बिल्डिंग्स मिलेंगी उनमें आपको यही मिलेगा।